हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. सो टुडे वी आर गोइंग टू सी आर नेक्स्ट चैप्टर. द चैप्टर नेम इज़ स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी एंड द चैप्टर नंबर इज़ 9. सो लेट्स सी व्हाट वी आर गोइंग टू सी हियर इन दिस चैप्टर. इन दिस बुक यू हैव रीड अबाउट द पीपल लाइक अ कांता, द अंसारीज, द मिलानी एंड द स्वप्ना. द थ्रेड दैट कनेक्ट्स ऑल ऑफ दीज लाइफ इज दैट दे हैव बीन ट्रीटेड अनइक्वली. बेसिकली आपने इस बुक में सभी की स्टोरी को पढ़ा है, राइट? कांता, अंसारी, मिलानी और द स्वप्ना. बेसिकली सारी की सारी जितनी भी स्टोरी हमने पढ़ी है, ये कहीं ना कहीं एक धागे से कनेक्टेड है. यानी क्या है? एक दूसरे से कनेक्टेड है. और वो क्या है कि इन सभी को अनइक्वली ट्रीट किया गया है. तो अब देखेंगे हम आगे. वॉट डू पीपल डू वेन दे फेस अ सच इनइक्वालिटी. हिस्ट्री इज़ अ फुल ऑफ एग्जाम्पल ऑफ पर्सन्स हु हैव केम टूगेदर टू फाइट अगेंस्ट इनइक्वालिटी एंड फॉर इशूज ऑफ जस्टिस. डू यू रिकॉल द स्टोरी ऑफ रोजा पार्क इन चैप्टर 7-1? डू यू रिमेंबर द फोटो एसे ऑन द वुमेंस मूवमेंट इन द चैप्टर 5? इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट सम ऑफ द वेज इन विच पीपल हैव स्ट्रगल्ड अगेंस्ट इक्वालिटी. अब देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो भी चैप्टर्स में आपने पढ़ा है, कहीं ना कहीं आपने देखा है कि चैप्टर 1 में जो रोज़ा पार्क की स्टोरी थी या फिर फोटो एसे जो कि वुमेंस मूवमेंट के ऊपर था चैप्टर 5 में, तो कहीं ना कहीं क्या है, सारी चीज़ें इनइक्वालिटी की वजह से स्ट्रगल की गई हैं, बराबरी का हक नहीं मिलना और इन सारी वजहों से. तो चलिए देखते हैं हम आगे इस चैप्टर में हमें क्या मिलने वाला है. As you have already read in this book, the Indian Constitution recognizes all Indians as equal before the law and the states that no person can be discriminated against because of their religion, sex, caste or the whether they are rich or poor. All adults in India have an equal right to vote during an election and this power over the ballot box has been used by a people to elect or replace their representative. अब देखिए अगर हम इंडिया की बात करें तो आपको जानते हो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हम सभी को क्या देता है, इक्वल राइट देता है. और इसके साथ साथ हम कानून के सामने क्या है, एक समान है. हमें किसी भी बेसिस पे जज नहीं किया जाएगा या किसी तरह का हम कह सकते हैं भेदभाव नहीं किया जाएगा कि हम किस रिलीजन से हैं, हमारा जेंडर क्या है, हमारा कास्ट क्या है, हम गरीब हैं या अमीर हैं. इन सारी बेसिस पे हमें जज नहीं किया जाएगा ऑन फ्रंट ऑफ लॉ. इसके साथ साथ क्या है कि सारे अडल्ट्स जो हैं इंडिया के, उन्हें ये राइट मिलता है कि उन्हें वोट करने का हक है इलेक्शन में और वो ये पावर रखते हैं, राइट? इसके साथ साथ उनके पास ये भी पावर है कि किसी रिप्रेजेंटेटिव को वो चाहे तो रिप्लेस भी कर सकते हैं. यानी अगर आपका काम ठीक नहीं है, आपने किसी को चूज़ किया है और ही इज़ नॉट परफॉर्मिंग वेल, तो बेसिकली यू कैन चेंज दैम ऑल्सो. अब But this feeling of equality that the ballot box provides because the vote of one person is as good as that of another does not extend to most people's life. As you have read, the increasing privatization of health services and the neglect of the government hospital have made it difficult for most poor people like Kanta, Hakim Sheikh and the Aman to get a good quality of health care, and these people do not have the resources to afford expensive private health services. अब देखिए जब हम बात करते हैं फीलिंग इक्वालिटी की, तो बैलेट बॉक्स तक तो हमें ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, पर इसके बाद क्या हमें वो इक्वालिटी की चीज़ें मिल पा रही हैं? आपने सुना होगा कि प्राइवेटाइजेशन इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, हेल्थ सर्विसेज जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या होती हैं, बहुत निगलेक्ट की जाती हैं, पुअर पीपल्स को ढंग से ट्रीट नहीं किया जाता है, जो भी मेडिसिन उन्हें मिलनी चाहिए वो प्रॉपरली मिल नहीं पा रही है. तो ये सारा इशू क्या है, कहीं ना कहीं बनते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है. तो ये चीज़ें जो हमने स्टोरी में पढ़ी थी, या ये कैसे लोग हैं जो जा रहे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, ये कहीं ना कहीं गरीब हैं या लाचार हैं, बेबस हैं. क्यों? क्योंकि ये प्राइवेट हॉस्पिटल का एक्सपेंस क्या है, ये हैंडल नहीं कर सकते हैं. तो ये सारे कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से क्या है, प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज को ये अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल नहीं पाती है. Similarly, the man who sells a juice does not have the resource to compete with all of the major companies who sell a branded drinking through expensive advertising. Swapna does not have the sufficient resources to grow a cotton and so has to take a loan from the tradition and grow her crop. दिस फोर्सेज, देखिए बेसिकली अब यहाँ पे किसकी स्टोरी बताई गई है, स्वप्ना की. यानी अगर हम बात करें, आपने देखा होगा रोड के साइड में क्या होता है,
कहीं ना कहीं फ्रूट जूस की शॉप होती है, राइट? अगर वो जो जूस बेच रहा है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी है, फ्रेश है, स्टिल वो क्या है, गरीब है, वो इतना एडवर्टाइज़ नहीं कर पा रहा है खुद को, इतनी सारी चीज़ें नहीं ला पा रहा है, और इस वजह से वो ब्रांडेड ना होने की वजह से क्या है, थोड़ा चीप रेट में मिल रहा है। बट यही कोई ब्रांड अगर इस जूस को बना के बेचने लगे तो क्या होगा, उसके हाई एक्सपेंसेस हो जाएंगे, एडवर्टाइजमेंट बड़ी बड़ी हो जाएगी, तो इस तरह से उस चीज़ का रेट बढ़ जाएगा। लेकिन क्या इसे ये इतना फ़ायदा मिल पा रहा है? नहीं, यहाँ पे तो नहीं मिल पा रहा है। अगर यहाँ पे हम एक स्टोरी की बात करें, जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था कि का स्वप्ना जो है वो कितने हार्डली अपनी पीस ऑफ लैंड में कॉटन का जो है क्रॉप वो उगा रही थी, उसको उगाने के लिए भी उसे कई तरह के लोन्स लेने पड़ गए, फर्टिलाइजर्स के लिए, फिर पेस्टिसाइड्स के लिए, और भी सारी चीज़ों के लिए, ताकि उसकी फसल अच्छी हो। इस चक्कर में क्या हुआ, उसके ऊपर लोन बढ़ गया, और लोन बढ़ने के बाद जब उसने उस क्रॉप को बेचा है तो बेचने के बाद भी क्या हुआ है, उसे उतना अमाउंट में प्रॉफिट नहीं मिला जितना वो एक्सपेक्ट कर रही थी। दैट मीन्स कहीं ना कहीं क्या है, लॉस बढ़ गया है। तो ये चीज़ें जो है हमें देखने को मिलती है, और यही स्टोरी में बताई गई है कि पॉवर्टी एंड द लैक ऑफ रिसोर्सेज कंटिन्यू टू बी अ की रीज़न व्हाई सो मैनी पीपल्स लाइफ इन इंडिया आर हाईली इन अनइक्वल। अब ये पॉवर्टी जो है यही क्या है, मेन की है, यही मेन जड़ है कि सभी लोग जो है इक्वली ट्रीट नहीं हो पा रहे, क्यों इतने हाईली इंडिया में अनइक्वल हैं। ऑन दी अदर हैंड द अंसारीज वर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट नॉट बिकॉज दे डिड नॉट हैव द रिसोर्सेज, इन फैक्ट डिस्पाइट हैविंग द मनी टू पे द रिक्वायर्ड रेंट दे वर नॉट एबल टू फाइंड एन अपार्टमेंट फॉर ओवर अ मंथ, पीपल वर रिलक्टेंट टू लीज दैम एन अपार्टमेंट बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन। सिमिलरली द मेन रीजन दैट द टीचर्स फोर्स ओम प्रकाश वाल्मीकि टू स्वीप द स्कूल यार्ड वॉज बिकॉज ही वॉज अ दलित। यू हैव ऑल्सो रीड दैट द वर्क वुमन do is often considered of a less value than that of the man. All of these persons are discriminated against primarily because of their social and cultural background as well as because they are women. Discrimination on the basis of the person's religion, caste and sex is another significant factor for why people are treated unequally in India. अब देखिए जो हमारा next paragraph है ये हमें क्या बता रहा है, basically आपने अंसारी की story देखा था, उन्हें भी discriminate किया गया था किस basis पे, क्योंकि वो किसी different religion के थे, और इस वजह से उन्हें क्या हो रहा था, वो कोई room rent नहीं कर पा रहे थे। अगर हम ओम प्रकाश वाल्मीकि की बात करें तो बिकॉज ऑफ हिज कास्टिज्म उनके उसके टीचर ने क्या किया था, उन्हें फोर्स किया था कि वो स्कूल में झाड़ू लगाएं। अगर हम वुमेन की ही बात करें तो क्या होता है, वुमेन्स भी जो घर में काम कर रही है, डोमेस्टिक वर्क कर रही है, उन्हें भी कहीं ना कहीं हम बहुत लेस वैल्यू देते हैं, तो उन्हें भी हम डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो डिस्क्रिमिनेशन का फैक्टर है, बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर, कई सारे सिग्निफिकेंट फैक्टर हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारे लोगों को अनइक्वली ट्रीट किया जा रहा है इंडिया में, और ये बहुत एक मेजर फैक्टर है। नाउ ऑफन पॉवर्टी एंड लैक ऑफ डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट फॉर सर्टेन कम्युनिटीज़ एंड ग्रुप्स कम टुगेदर इन सच अ पावरफुल वे इज दैट इट इज़ डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई वेयर वन एस्पेक्ट ऑफ इनइक्वालिटी एंड्स एंड दी अदर बिगिन्स। एज यू हैव रीड दलित आदिवासी एंड द मुस्लिम गर्ल्स ड्रॉप आउट ऑफ अ स्कूल इन अ लार्ज नंबर, दिस इज़ अ कम्बाइंड आउटकम ऑफ अ पॉवर्टी एंड द सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड द लैक ऑफ गुड क्वालिटी स्कूल फैसिलिटी फॉर दिस कम्युनिटी। अब क्या होता है, पॉवर्टी जो है एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रीज़न है कई सारी कम्युनिटीज़ के लिए कि वो बहुत पावरफुल नहीं है, चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं, जैसे दलित हैं, आदिवासी हैं, मुस्लिम्स हैं, तो इन्हें बीच में ही स्कूल छोड़ना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ जो पॉवर्टी चल रही है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, लैक ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ स्कूल फैसिलिटी है, कम्युनिटीज़ हैं, तो ये सारे कई सारे फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को अफेक्ट कर रहे हैं। अब हम देखेंगे स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी, अब किस तरह से क्या स्ट्रगल्स की गई हैं इक्वालिटी के लिए, अब हम उसके लिए आगे बढ़ेंगे। थ्रू आउट द वर्ल्ड इन एवरी कम्युनिटी, विलेज, सिटी एंड टाउन यू विल फाइंड दैट देर आर सम पीपल हु आर नोन एंड रिस्पेक्टेड बिकॉज ऑफ देयर फाइट फॉर इक्वालिटी। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें या किसी भी कम्युनिटी की, गांव की या जगह की, तो आपने देखा होगा उन पीपल्स को काफ़ी रिस्पेक्ट मिल रही है जिन्होंने क्या है कहीं ना कहीं इक्वालिटी के लिए क्या किया है, फाइट किया है। These people may have stood up against an act of discrimination, और ये people किस चीज़ के खिलाफ खड़े हुए थे, discrimination, जो भेदभाव किया जा रहा था उनके खिलाफ ये खड़े हुए थे,
or they may have a well respected because they have treat all persons with a dignity and are therefore trusted and called upon the resolve issue in the community. इसके साथ साथ क्या है, कहीं ना कहीं ये जो persons है इन्हें इन्हें पूरी तरह dignity के साथ इन्होंने भी दूसरों को treat किया और इसलिए इन्हें इन पर भरोसा किया गया कि ये कहीं ना कहीं क्या करेंगे, ये जो issue है ये इसको resolve करेंगे उनकी अपनी community में या on the basis of India. अगर हम इंडिया की भी बात करें तो कई सारी इक्वालिटी की चीज़ें जहाँ से शुरू होती है, कहीं ना कहीं हमें शुरुआत घर से ही करनी होती है, राइट. तो अगर हम अपने गांव में, अपने विलेज में कोई छोटा चेंज कर पा रहे हैं किसी तरह की इक्वालिटी के मैटर पे, तो ये शुरुआत वहीं से हो रही है. तो दिस आर द स्ट्रगल्स विच वी दे हैव डन एंड दैट्स वाई दे आर गेटिंग अ रिस्पेक्ट फॉर दैट. Now, often some of these persons become a more widely recognized because they have the support or represent a large number of people who have united to address the particular issue of inequality in India. There are a several struggle in which people have come together to fight for issues that they believe are important. In chapter 5, you read about the methods used by the women's movement to raise the issue of equality. The Tawa Matsya Sangha in Madhya Pradesh is another example of people coming together to fight for an issue. There are many such struggles, such as those among BD worker, fisher folk, agriculture, laborers, slum dwellers, and the each group is struggling for a justice in its own way. There are also many attempts to form a cooperative or the other collective ways by which people can have a more control over the resources. अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि आपने देखा होगा कि कई सारे लोग और भी हैं जो ज़्यादा recognize किए जाते हैं, क्यों, because काफ़ी सारे लोग जो हैं उसे represent कर रहे हैं, उनका support कर रहे हैं. तो ये चीज़ें इस तरह से बड़ी होकर आ रही है जो कि मेन एक पर्टिकुलर इशू को एड्रेस करें जो कि इनइक्वालिटी है. अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में ऐसे कई सारे लोग हैं जो इस चीज़ के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, जैसे कि हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था इक्वालिटी के लिए. जैसे मध्य प्रदेश में कई सारे कास्टिज़म है, जैसे कि जो है मत्स्य संघ, तवा मत्स्य संघ है. इसके अलावा और भी जो चीज़ें कहीं ना कहीं बीडी वर्कर्स हैं, फिशर फोक है, एग्रीकल्चरल है. तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, सारे लोग कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी इक्वालिटी के लिए कि उन्हें सही तरह से वो चीज़ें मिलें जो उनका हक है. अब हम आगे देखेंगे तवा मत्स्य संघ. अब ये कौन सा संघ है, किस तरह से इनमें चीज़ें हो रही है. व्हेन डैम्स आर बिल्ट फॉर अ फॉरेस्ट एरियाज डिक्लेयर्ड सेंचुरीज फॉर एनिमल्स, थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर डिस्प्लेस्ड. अब देखिए जब भी कभी डैम बनना है या कोई फॉरेस्ट एरिया को डिक्लेयर किया गया है या सेंचुरी बन रहा है किसी एनिमल के लिए, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग, थाउजेंड्स ऑफ पीपल क्या होते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं अपनी जगह से. When villages are uprooted and people are forced to go and build a new home. जब देखिए अगर हम विलेज की बात करें तो क्या है, कहीं ना कहीं अप्रूटेड है, पीपल आर क्या है, फोर्स्ड हो रहे हैं निकलने के लिए वहाँ से, उन्होंने नया घर बनाया है, स्टार्ट उन्होंने अपनी नई ज़िंदगी फिर से शुरू की है. मोस्ट ऑफ दिस पीपल क्या है, ये पुअर हैं. अर्बन एरियाज़ के भी बात करें या बस्तीज़ की बात करें जहाँ पर भी लोग रह रहे हैं, तो ये इसी तरह से अप्रूट हो रहे हैं. सम ऑफ देम आर रीलोकेटेड टू द एरियाज आउटसाइड द सिटी. अब कई लोग ऐसे भी हैं जो सिटी में रह के उतना एक्सपेंस नहीं झेल पा रहे, तो वो आउटसाइड जाके रहते हैं सिटी से काफ़ी दूर. देयर वर्क एज वेल एज देयर चिल्ड्रन स्कूलिंग इज़ अ सेवरली डिस्टर्बेड बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम दी आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी टू दिस लोकेशन. और इसी वजह से क्या है, कई सारी चीज़ें उनकी स्कूलिंग, बच्चों की पढ़ा और भी चीज़ें जो हैं क्या होती है, डिस्टर्ब हो जाती है बिकॉज जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा सिटी से क्या है, दूर है. The displacement of people and communities is a problem that has become a quite widespread in our country. People usually come together to fight against this, and there are the several organizations across the country fighting for the right of the displaced. In this chapter, we will read about the Tawa Matsya Sangha, a federation of the fisher worker cooperative, and the organization fighting for the right of the displaced forest dwellers of the Satpura forest in the Madhya Pradesh. अब देखिए ये जो Tawa Matsya Sangha है, ये कहीं ना कहीं basically क्या है, fisher work के workers के लिए जो है cooperative organization है जो उनकी rights के लिए basically क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं displaced हो रहे हैं forest area से जो कि सतपुड़ा मध्य प्रदेश में था. तो उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है, वो किस तरह से उन चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के लिए क्या किया जा रहा है, वहाँ पे उनका सपोर्ट किया जा रहा है.
Originating in the Mahadev Hills of the Chindwara district, the Tawa flows through a Betul before joining the Narmada in Hoshangabad. The Tawa Dam began to be built in 1958 and was completed in 1978 in submerged large areas of a forest in the agricultural land. The forest dwellers were left with nothing. Some of the displaced people settled around the reservoir, and they, apart from the मैगर फार्म्स फाउंड अ लिवलीहुड इन अ फिशिंग एंड दे अर्न अ वेरी लिटिल. अब देखिए, कई सारे लोग जो है महादेव हिल्स जो कि छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में आपने आपको देखने को मिलेगा, जो कि तवा जो बैतूल है वहाँ पे नदी जो ज्वाइन होती है वहाँ पे कई सारे लोग क्या हैं तवा डैम के आसपास रहना शुरू कर रहे हैं. उन्होंने अपनी बिल्ड कम्प्लीट किया जहाँ पे रह के वो फॉरेस्ट एग्रीकल्चरल लैंड इन सारी चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं. मतलब इसी तरह से वो क्या कर रहे हैं, अपनी कमाई का एक छोटा जरिया निकालने की कोशिश कर रहे हैं. और उसमें भी क्या हो रहा है, वो बहुत ही कम पैसे कमा पा रहे हैं. अगर हम बात करें, इन 1994 द गवर्नमेंट गेव द राइट फॉर फिशिंग इन द तवा रिजर्वेयर टू प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर. दीज कॉन्ट्रैक्टर हैव ड्रोव द लोकल पीपल अवे एंड गॉट अ चीप लेबर फ्रॉम द आउटसाइड. द कॉन्ट्रैक्टर बिगन टू थ्रेटन द विलेज हु डिड नॉट वॉन्ट टू लीव बाय ब्रिंगिंग द hoodlums. The villagers stood united and they decided that it was a time to set up an organization and do something to protect their rights. अब बेसिकली देखिए, यहाँ पे राइट्स की बात की गई, बताई गई कि कहीं ना कहीं क्या है, गवर्नमेंट कई तरह की चीज़ें कर रही है जिससे क्या हो, इन्हें सहारा मिल सके, इनके राइट्स, इनकी प्रॉब्लम को समझा जा सके और इनके जो हक की चीज़ें हैं वो इन्हें दी जा सके. द न्यूली फॉर्म तवा मत्स्य संघ जो है TMS ऑर्गेनाइज्ड अ रैलीज एंड अ चक्का जाम विच इज़ अ रोड ब्लॉकेड डिमांडिंग देयर राइट टू कंटिन्यू फिशिंग फॉर देयर लिवलीहुड. अब देखिए, ये जो मत्स्य संघ है ये बेसिकली इन्होंने कई तरह की रैलीज निकाली, चक्का जाम किया. क्यों? क्योंकि उनकी जो डिमांड्स है कि वो फिशिंग जो कर रहे थे वो कंटिन्यू कर सके, इस चीज़ की मांग के लिए. इन रिस्पॉन्स टू देयर प्रोटेस्ट द गवर्नमेंट क्रिएटेड अ कमिटी टू असेस द इशू एंड द कमिटी रिकमेंडेड दैट द फिशिंग राइट्स टू बी ग्रांटेड टू द विलेजर फॉर देयर लिवलीहुड इन 1996. द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू गिव द पीपल डिस्प्लेस्ड बाय द तावा डैम एंड द फिशिंग राइट्स फॉर द रिजर्वेयर. अ 5-year लीज एग्रीमेंट वॉज साइंड 2 months लेटर ऑन January 2nd. पीपल फ्रॉम 33 villages ऑफ तावा स्टार्टेड अ न्यू ईयर विद द फर्स्ट कैच. और कहीं ना कहीं जो इसके ऊपर गवर्नमेंट ने इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या कि एक कमेटी रिकमेंड की, जो कि फिशिंग राइट्स और जो भी villages के लिवलीहुड के लिए ज़रूरी है उन सारी चीज़ों को किया जाए. कई सारे ये किया कि पीपल को डिस्प्लेस किया जाए बाय तवा डैम और उन्हें कुछ और जो भी रिजर्व के लिए उनके राइट्स हैं उनको लीज एग्रीमेंट दी गई फॉर 2 months लेटर. और उसके बाद 33 विलेजेस ने फिर से क्या किया, स्टार्ट किया जो कि उनका फर्स्ट कैच था. विद द TMS टेकिंग ओवर द फिशर वर्कर वर एबल टू इंक्रीज देयर अर्निंग सब्सटेंशियली एंड दिस वॉज बिकॉज दे सेटअप टू द कोऑपरेटिव विच वुड बी बाय द कैश फ्रॉम दी them as a fair piece. The cooperative would then arrange to the transport and sell cooperative this in the market where they would get a good price. They have now begun to earn 3 times more than they earned earlier. The TMS has also begun giving the fish workers loan for repair to buying the new nets. By managing and earn a higher wage as well as the preserving the fish to in the reservoir, the TMS as shown that when people's organization get the rights to livelihood, they can good be a manager. अब देखिए, कहीं ना कहीं ये जो TMS संघ है इनको जो भी रिजर्व बेसिकली ये जिस भी तरह से अपनी चीज़ें हैं फेयर प्राइस पे बेच सकें, उसके बाद वो जो है आगे जा सके, उन्हें पूरी कमाई मिल सके, अपनी प्रॉफिट जो है वो उसको ले सके. इसके साथ साथ उन्होंने एक और चीज़ की भी शुरुआत की कि जो भी चीज़ें बच रही हैं उनको फिश जो भी फिश है उन्हें प्रिजर्व करके रखना है, तो उसके लिए भी क्या हो रिजर्वेयर का भी इस्तेमाल किया जा सके, रिजर्व उनके लिए मैनेज करके उन्हें दी जा सके. अब हम देखेंगे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट. अब हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों है, क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है. द फाउंडेशन ऑफ ऑल मूवमेंट्स फॉर जस्टिस एंड इंस्पिरेशन फॉर ऑल द
poetry and the songs on equality is the recognition that the all people are equal. अब देखिए अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन से हमें क्या है, हमारे राइट के बारे में पता चलता है, हमारी क्या क्या ज़रूरतें हैं, हम अपनी राइट्स के थ्रू पूरी कर सकते हैं, क्या हमारे पूछने का हक है, क्या बोलने का हक है, तो ये सारी चीज़ें कौन हमें प्रोवाइड कर रहा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कर रहा है. अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो फाउंडेशन है, अगर जस्टिस का जो फाउंडेशन है वो बेसिकली क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है. अगर हम न्याय की बात करते हैं तो न्याय हमें कब मिलेगा, जब हमें हमारे राइट्स पता होंगे. अगर हमें वो चीज़ें पता है तो हम उसके बेसिस पे क्या कर सकते हैं, अपनी चीज़ों के लिए डिमांड कर सकते हैं. तो ये क्या है, एक पोएट्री सॉन्ग है इक्वालिटी के लिए, कि हम सभी क्या है, इक्वल हैं और हमें एक समानता का दर्जा मिले. As you know, the Indian Constitution recognizes the equality of all the persons, movements and the struggles for equality in Indian continuously refer to the Indian Constitution to make their point about equality and justice for all. The fish worker in the Tawa Matsya Sangha hope that the provision of the constitution will become a reality through their participation in this movement. By constantly referring to the constitution, they use it as a living document. That is something that has real meaning in our life, in our democracy. There are always a communities and individuals trying to expand the idea of a democracy and push for a greater recognition of equality on existing as well as new issues. अब देखिए यहाँ पे इन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है कि किस तरह से ये जो चीज़ें हैं हम उसे सॉल्व कर सकते हैं. कहीं ना कहीं ये जो इन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये तवा मत्स्य संघ के लिए क्या है, एक होप है जिसमें कई तरह के प्रोविजन है जो उनका सपोर्ट कर सकते हैं और उस बेसिस पे क्या है, उन्हें अपना हक मिल सकता है डेमोक्रेसी में. अब हम देखेंगे आगे, इश्यूज़ ऑफ इक्वालिटी आर सेंट्रल टू अ डेमोक्रेसी. जो इशू है इक्वालिटी का, ये सेंटर पॉइंट है बेसिकली किस चीज़ का, डेमोक्रेसी का. इन दिस बुक वी हैव ट्राई टू हाईलाइट द इशू दैट पोज अ चैलेंज टू दिस आइडिया ऑफ इक्वालिटी इन अ डेमोक्रेसी. दिस एज यू हैव रीड इंक्लूड द प्राइवेटाइजेशन ऑफ द हेल्थ सर्विस इन आर कंट्री, द इंक्रीजिंग कंट्रोल that business house exert on the media, the low value given to the women and their work, and the low earning made by a small farmer who grow a cotton, and this issue substantially affect a poor and a marginalized communities and therefore concern the economic and social equality in the country. अब देखिए कहीं ना कहीं इस बुक में हमने जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं, ये इसलिए पढ़े गए हैं या इसका मेन पॉइंट ये है जिसे हाईलाइट किया गया है कि जो इनइक्वालिटी हो रही है या कंट्री में जिस भी तरह के इश्यूज हैं वुमेंस को लेके, उनके काम को लेके, स्मॉल फार्मर्स की अगर हम बात करें या फिर लो अर्निंग की बात करें, जो जिस तरह से कॉटन अफेक्ट हो रहा है, या पुअर जो हैं जिस तरह से उनकी कम्युनिटी को क्या किया जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड किया जा रहा है, यानी कहीं कहीं समझौते जो हैं उनके साथ ज़्यादा किए जा रहे हैं, कि बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, उन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और वो हालात के साथ क्या हो कर रहे हैं, समझौता कर रहे हैं. तो इन सारी सोशल और इकोनॉमिकल इक्वालिटी के इशूज़ को जो है क्या किया गया है, शो किया गया है, बताया गया है और उन्हें हाईलाइट किया गया है ताकि उन पर क्या है, लोगों का ध्यान केंद्रित हो. अब हम देखेंगे, दिस इज़ द कोर ऑफ द स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी इन अ डेमोक्रेसी. अब ये जो बात की जा रही है कि दिस इज़ द कोर ऑफ द स्ट्रगल, अब कहीं ना कहीं इक्वालिटी की बात अगर हम करें तो ये क्या है, कोर है, पॉइंट है, और इसी पे जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रगल हो रहा है डेमोक्रेसी में. लोकतंत्र सबको एकता और समानता का अधिकार देता है, पर कई जगहों पर क्या किया जा रहा है, इन सारी चीज़ों को बहुत निग्लेक्ट किया जा रहा है. This is the dignity and self-respect of each person in their community can only be realized if they have adequate resources to support and nurture their family and if they are not discriminated against. अब देखिए कहीं ना कहीं क्या हो गया, ये जो डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट है ये कम्युनिटी से एक दूसरे को मिल रही है ताकि वो क्या है, रिसोर्सेज का एडिक्वेटली यूज़ कर सके, सपोर्ट कर सके और अपनी फैमिली को नर्चर कर सके विदाउट गेटिंग अ डिस्क्रिमिनेटेड. तो ये चीज़ जो है हमने इस चैप्टर में देखी है. अगर इन शॉर्ट मैं इस चीज़ को ब्रीफ करूँ तो बेसिकली इस चैप्टर का मोटो क्या था कि जिस भी तरह का स्ट्रगल किया गया है फॉर इक्वालिटी, जिस तरह से लोगों को अनइक्वली ट्रीट किया गया है, जो उन्हें महसूस करवाया गया है, इन सारी चीज़ों से क्या है, लोगों को हम बचा सकें, लोगों को अपना हक पता होगा, तब जाके लोग क्या करेंगे, उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकेंगे, अपनी चीज़ों के लिए डिमांड कर सकेंगे. तो इस चैप्टर में बेसिकली हमने आज तक जितना भी पढ़ा है उन सभी स्टोरीज़ को ध्यान में रखते हुए बताया गया है कि कब किस के साथ क्या ट्रीट किया गया है, क्यों ऐसा हुआ है, इसके पीछे का रीज़न क्या है.
तो आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया है. इन केस इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस चैप्टर प्लीज़ आस्क मी. थैंक यू फॉर द डे.